ध्यक्ष महोदय सी ए आई डोंक एसेंट ऑफ दीपल ऑफ इंडिया इवन अंडरस्टैंड की सी ए क्या है पहली बात तो ये अमेंडमेंट है सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट जो है नाइनटीन फिफ्टी फाइव के एक्ट के बाद उसमें अमेंडमेंट हुई है amendment के तहत, एक अडवाणी जी ने मूव की थी जब उनकी सरकार थी और एक उससे पहले मूव हुई है ये डिसाइड ये डिफाइन किया गया अडवाणी जी के टाइम पे डिफाइन किया गया हु इज एन इीगल इमिग्रेंट डिफाइंड नहीं था एक्ट में ओरिजिनल एक्ट में एंड उससे पहले जो एक्ट uh, अमेंड uh, हुआ इट वॉज टू डिसाइड वॉट इज दी नेचुरलाइज सिटीजनशिप यानी इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड हु टू गिव सिटीजनशिप टू वो तो पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहले ही है अगर ना होती तो अदनान स्वामी को किसने दी सिटीजनशिप किसने दी इज अदनान स्वामी अंदू इज ई अख इज ई बुद्ध

के हिसाब से नहीं उसको बराबरी का हक है हर चीज का एनी पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन दैट इज वॉट वी आर अपोज टू दैट इंडिया डज नॉट वर्क ऑन कास्ट क्रीड और रिलीजन वी अपोज दैट एंड वी एंड आई एम दैट ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी वी अपोज इट कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ होगी हम उसका विरोध करते हैं कोई भी चाहे वो ये है चाहे कुछ और होगा और इसके नतीजे भारतवर्ष में आप देख रहे हैं दिल्ली में आग लगी हुई है मेघालय में आग लगी हुई है असम में आग लगी हुई है बंगाल में आग लगी हुई है हिंदुस्तान के कोने कोने में बॉम्बे जैसी जगहों पे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये तो शुक्र है कि हमारी देवभूमि में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस तरह की स्थिति यहां हो लेकिन जब आग लगती है तो वो ये नहीं देखती कि किसके कहा क्या कब जला देगी